गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी मैक्सिमम कंट्रीज की। तो उस समय पर एक्चुअल में इस चीज के लिए सोचा गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो उसी समय एक बैंक का निर्माण किया गया था, जिस बैंक को बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो मैं इस चीज पर बाद में आता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए ये तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि दीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिलेटेड टू मोर देन वन कंट्री, मतलब के नंबर ऑफ कंट्रीज इसके साथ जुड़ी होती हैं। क्योंकि जैसे कि मैं शब्द ही अपने आप में बोल रहा हूं इंटरनेशनल, ठीक है, तो किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेरियस कंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेटेड टू मोर देन वन कंट्री। ओके, दूसरी चीज, अब हर एक कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, हर एक कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो उसी तरह से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल लॉज। बोलने का मतलब यह है कि ये यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, ये सारी कंट्रीज के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ तैयार किया जाता है। एंड दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल लॉज, यानी कि यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द कंट्रीज। तीसरी चीज आती है जो इसके शेयर होल्डर्स हैं या इसके ओनर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, ठीक है। तो जितने भी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं दैट इज गवर्नमेंट। सुपोज इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट एक्चुअल में इसकी क्या है, शेयर होल्डर है या ओनर है, या कोई और कंट्री है, यूएसए है, तो उसकी गवर्नमेंट इसकी शेयर होल्डर है या इसकी ओनर है। ओके, तो ये तीन पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो जब भी मैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बात करूं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिलेटेड टू मेनी कंट्रीज, यानी कि मोर देन वन कंट्री। दूसरी चीज, गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बोलने का मतलब यह है कि एक यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द कंट्रीज। ओके, और तीसरी चीज है शेयर होल्डर्स या ओनर्स। तो जितने भी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, इसके शेयर होल्डर्स या ओनर्स होती हैं गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से कि ये एक्चुअल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं क्या है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, तो जो मैं पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करना चाहता हूं दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो मैं आज वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन, इसकी नींव रखी गई, ठीक है। और इसकी नींव रखी गई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन की एक फाइनेंशियल, और क्या बोल सकते हैं, उसकी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर इसकी नींव रखी गई थी सन 1944 में, इन द ईयर 1944, ठीक है। तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, दैट वॉज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन यानी कि नींव रखी गई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन जो ये वर्ल्ड बैंक है, ये शुरू बाद में हुआ था ऑफिशियली, या मैं कहूं इसको एक तरह से कि ऑपरेशनल, ये बाद में हुआ था इन द ईयर 1946, इन जून 1946। तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, फाउंडेशन, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1944 इन रिकमेंडेशन टू द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या थी, यूनाइटेड नेशन की एक मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है।
सेकेंड चीज कि इट वॉज ऑपरेशनल इन जून 1946. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ऑपरेशनल कब हुआ था, इन जून 1946. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक था, इसको बनाने का, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखने का इसका पर्पस क्या था, इसका एम क्या था. तो एक्चुअल में मैक्सिमम कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आप जानते हैं कि इकोनॉमी भी काफी नीचे चली गई थी और डेवलपमेंट और ग्रोथ की तो बात ही नहीं थी. तो इन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, इन कंट्रीज की ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए था, जो फाइनेंस चाहिए था, वो प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक की नींव रखी गई, वर्ल्ड बैंक का प्रपोजल रखा गया, वर्ल्ड बैंक खुला. ओके तो इसका जो एम था, इट वॉज लोन फॉर द नेशन, यानी कि कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी कि जितने भी नेशंस थे, जितनी भी कंट्रीज थे, इंटरनेशनली, किसी एक कंट्री की बात नहीं है, ठीक है. तो उन कंट्रीज, उन नेशंस की प्रोग्रेस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की नींव रखी गई थी, वर्ल्ड बैंक शुरू किया गया था. यानी कि बोलने का मतलब यह है कि प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, ठीक है. तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगने थे, ठीक है, चाहे वो रोड की कंस्ट्रक्शन थी, चाहे वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन थी, चाहे वो कुछ भी था, ठीक है, जो डेवलपमेंट को लेके था, जो प्रोग्रेस को लेके था. तो उस रिगार्ड में जो लोन प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी थी वो किसकी थी, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है. तो लोन फॉर द नेशन, यानी कि कंट्रीज फॉर देयर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. और ऐसा नहीं था कि ये किसी पर्टिकुलर नेशन को ही पैसा दे रहे थे. अगर सपोज इंडिया में किसी स्टेट को, सपोज मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, सपोज हिमाचल प्रदेश को अगर पैसे की जरूरत है, दे कैन अप्लाई टू द वर्ल्ड बैंक फॉर देयर कैपिटल प्रोजेक्ट, ठीक है. तो इवन प्रोवाइड कैपिटल या लोन टू द स्टेट्स ऑफ द नेशन. तो ये वर्ल्ड बैंक जो वेरियस वेरियस प्रदेश थे, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टेट्स थी, उनको भी लोन प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेवारी थी, ठीक है. तो दैट इज वन थिंग वी हैव लर्न, इसकी फाउंडेशन कब हुई और ये ऑपरेशनल कब हुआ, इन जून 1946. सेकेंड थिंग, इसका एम क्या था, लोन प्रोवाइड करना फॉर वेरियस नेशंस की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए. अब आते हैं इसकी थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट में. तो स्टैटिक पार्ट में मैं सबसे पहले आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में. ओके, वॉशिंगटन डीसी के अंदर. मेंबर्स, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स, अगर मैं मेंबर्स की बात कहूं तो वर्ल्ड बैंक का कोई इंसान मेंबर नहीं होता है. वर्ल्ड बैंक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो होती है वेरियस कंट्रीज. ओके, तो वर्ल्ड बैंक का 189 मेंबर्स हैं. तो बोलने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक के साथ 189 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़ी हुई हैं. तो प्रेजेंटली स्ट्रेटजी के व्यू पॉइंट से, प्रेजेंटली हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो दैट इज मिस्टर डेविड मालपास. ये 13th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के अभी, ठीक है, मिस्टर डेविड मालपास. ओके, ये आपको याद रखना है. देखो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, तो उसी से नाम से याद रहेगा, माल पास. ओके, एमडी एंड सीएफओ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर. तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर है वो एक इंडियन लेडी है, मिसेज अंशुला कांत, वर्ल्ड बैंक की. ओके, मिसेज अंशुला कांत. एंड द थर्ड वन इज चीफ इकोनॉमिस्ट. चीफ इकोनॉमिस्ट इज पैनी गोल्डबर्ग. ओके, तो देखो चीफ इकोनॉमिस्ट, सारी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक की उनके हाथ में है. तो ये नाम ही देखो, पैनी, पैनी मीन्स मनी एंड गोल्डबर्ग, यहां से आप याद रख सकते हैं, पैनी गोल्डबर्ग. ओके, तो स्टैटिक व्यू पॉइंट से ये चीज हमें याद रखनी है. हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, मेंबर्स यानी कि 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर डेविड मालपास है, एमडी एंड सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर मिसेस अंशुला कांत एंड चीफ इकोनॉमिस्ट इज पैनी गोल्डबर्ग. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे. वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक
अकेला ग्रुप नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर वेरियस ग्रुप्स हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज अ बिग नेम बट इट इज हैविंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस ग्रुप्स। तो वर्ल्ड बैंक की जो इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स हैं, आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है IBRD, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसको नाम इसलिए दिया गया, डेवलपमेंट तो सभी को समझ आ रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का बोलने का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद तैयार हुआ था इन द ईयर 1944, क्योंकि ये IBRD भी 1944 में एस्टेब्लिश हुआ है, ओके। तो रिकंस्ट्रक्शन की बात इसीलिए आती है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद काफी चीजें तहस नहस हो गई थी। तो इसका काम क्या था, इसका काम था IBRD का टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द कंट्रीज फॉर रोड्स, डैम्स, पोर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ एटसेट्रा, ओके। रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फॉर एजुकेशन, ठीक है, एंड फॉर हेल्थ पर्पजेस, जो वेरियस कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा वो कौन कर रहा था, IBRD, और आज भी कौन करता है, IBRD, ओके। तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1944 और इसमें कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई है, 189 कंट्रीज, ठीक है। इस चीज को मैं आपको एक अलग तरीके से बताता हूं कि सपोज हमारी स्टेट में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लगना है एंड हम पैसे के लिए अप्लाई करते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, तो वो पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारे पास आएगा, या किसी रोड को बनाने के लिए, या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, या किसी हेल्थ प्रोग्राम के लिए, तो वो हमें IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक का कौन सा इंस्टीट्यूशन, IBRD प्रोवाइड करेगा, क्लियर। सेकंड है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को। अब इंटरेस्ट फ्री बोलू तो आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा, तो मैं एक तरह से क्या बोलूंगा, ग्रांट, ठीक है। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज को जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, ठीक है। यानी कि प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ऑब्लिक ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो सबसे गरीब कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको जो ग्रांट्स मिलती हैं वर्ल्ड बैंक से, वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्योंकि इसका काम है इंटरनेशनली जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको डेवलप करना, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करना, तो ये प्रोवाइड करता है ग्रांट। एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1960 और इसकी जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, दोज आर 173 कंट्रीज, 173 कंट्रीज इस IDA के साथ, इस इंस्टीट्यूशन के साथ, वर्ल्ड बैंक के इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट इज IFC। IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका काम है जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको प्रमोट करना, ओके। कि जितनी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उनको प्रमोट करना, ओके। और ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका इन द ईयर 1956 एंड 184 कंट्रीज आर इट्स प्रेजेंट मेंबर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज MIGA, मिगा, MIGA, मिगा। मिगा एक्चुअल में है क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका काम क्या है कि वेरियस कंट्रीज के अंदर, जैसे हमारी कंट्रीज के अंदर भी आप देखते हैं कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जिन प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उन सारी चीजों को कौन देखता है, मिगा देखता है, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका काम क्या है, प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है।
यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि सपोज कोई काम चल रहा है ना, ठीक है, उस काम के लिए आपके पास पैसा कम पड़ गया, तो मेगा व्यूज में क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है बाहर की कंट्रीज क्या कर सकती हैं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकती हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसमें हेल्प करता है मेगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक और इंस्टीट्यूशन। और पांचवा और आखिरी इंस्टीट्यूशन है ICSID, ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि ICSID क्या है। देखो कई बार हम भी होते हैं ना, लोन लेते हैं एंड वी कांट, मतलब जैसे हम कोई किश्त नहीं दे पाए, ठीक है, या कोई उसकी EMI नहीं भर पाए, ठीक है, बाद में होता क्या है, उसकी सेटलमेंट की जाती है ना, तो लोन्स की भी क्या की जाती है, सेटलमेंट्स की जाती है। तो वैसे ही जो वर्ल्ड बैंक से लोन उठाए जाते हैं उनकी जो सेटलमेंट्स हैं, जो उनके पैसे की सेटलमेंट्स की जाती है, वो कौन करता है, ICSID यानी कि इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो यानी कि आपके जो भी आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, लेकिन आप उसको एक एप्रोप्रिएट टाइम में सपोज आप उसको वापस नहीं कर पाए, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करता है ICSID। इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1966, ओके, एंड 161 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1966 में, और 161 कंट्रीज इसकी मेंबर है। हाँ, मेगा के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988 एंड 181 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स, मेगा की, MIGA की, ओके। तो ये सारी चीजें थी वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो मैं एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दोज आर रिलेटेड टू मोर देन वन कंट्री। दूसरी चीज है गवर्न बाय द इंटरनेशनल लॉ, यानी कि कोई एक यूनिफॉर्म लॉ होता है। तीसरा, उसके शेयर होल्डर या ओनर कौन होती है, गवर्नमेंट। और पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आज हमने पढ़ा वो था वर्ल्ड बैंक। 1944 में इसकी नींव रखी गई थी इन ए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जून 1946 में ये ऑपरेशनल मोड में आ गया था, ठीक है। काम क्या है, लोन्स प्रोवाइड करना टू वेरियस नेशंस एंड कंट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। और इसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD जो रोड्स, डैम्स, पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ के लिए पैसा प्रोवाइड करती है टू वेरियस कंट्रीज, ठीक है, जिसके 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 189 कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर्स हैं। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो फ्री क्रेडिट्स या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है किसको, पुअरेस्ट कंट्रीज को, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी, 173 कंट्रीज, 173 कंट्रीज इसकी मेंबर है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है, 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी, 184 कंट्रीज इसकी मेंबर है। मेगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1988 में एंड 181 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है ICSID, एस्टेब्लिश्ड इन 1966 एंड 161 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि पिछले 6 महीने में हमारे करंट अफेयर्स में वर्ल्ड बैंक का नाम कई बार जुड़ता है, कई बार आता है, ओके, तो वो किस चीज के लिए आता है वो मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, IMOU साइन किया है किसके साथ,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। ये मैं करंट अफेयर्स का बता रहा हूं, लेटेस्ट जो सिक्स मंथ्स में जहां जहां वर्ल्ड बैंक जुड़ा है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 210 मिलियन यूएस डॉलर्स का, 210 यूएस मिलियन यूएस डॉलर्स, 210 यूएस मिलियन यूएस डॉलर्स, 210 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किस चीज के लिए? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ये एक चीज है जहां पर आपका वर्ल्ड बैंक का रिलेशन है करंट अफेयर्स में इंडिया के साथ। दूसरा एक और चीज, वर्ल्ड बैंक ने अभी एक एमओयू और साइन किया है असम गवर्नमेंट के साथ। ये सारी चीजें हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी भी हैं। असम गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है ऑफ 88 मिलियन यूएस डॉलर्स, 88 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, किस चीज के लिए किया है? असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और साथ के साथ इसमें ही जो फेरी ट्रांसपोर्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर में, उसके लिए भी ये पैसा यूज होगा, फेरी ट्रांसपोर्ट ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, उसके लिए भी ये पैसा यूज में आएगा। और तीसरा, तीसरा वर्ल्ड बैंक करंट अफेयर्स में किस चीज से जुड़ा है? वर्ल्ड बैंक एक रैंकिंग, एक रेटिंग प्रोड्यूस करता है अपनी इन 189 कंट्रीज की। ठीक है, तो और ये रेटिंग, इस रेटिंग को कहा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं, इस रेटिंग को बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक हर साल एक रेटिंग निकालता है जिसको बोला जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस रेटिंग में, ठीक है, अभी इंडिया जो है वो 63rd पॉइंट पे है, 63rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स में बात जुड़ी हुई है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग निकालता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें इंडिया का जो रैंक है दैट इज 63rd। ओके, तो ये भी करंट अफेयर्स में अभी बात जुड़ी हुई है। और हां, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की रेटिंग में नंबर 1 पर है।